Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. कैसे हो सकता है कि कोई जल के राख हो जाए और दूसरे को खबर तक ना हो? मुझे सच बताओ ज़ोया, क्या तुमने मेरे बारे में कभी नहीं सोचा? मेरी बात तो सुन। दरवाजा खोलो। सबा प्लीज। सबा calm down। मुझे हर हाल में तेरी औलाद चाहिए, इस खानदान का वारिस चाहिए, वरना कल को नेमत अली का कोई नाम देने वाला नहीं रहेगा और मैं अपनी नस्ल को इस तरह खत्म होते नहीं देख सकता। हेलो हेलो, कौन? माँ जी, सोया तू ही है ना? सोया बोल बोल ना, चुप क्यों है? तू भी क्या नाराज है मेरे अजमेर की तरफ? मुझसे अरे तुम दोनों की खामोशी मुझे कब्र में उतार देगी। कुछ तो कह ज़ोया, मुझे बुरा भला ही कह दे, मुझे डांट ले, कुछ तो बोल। कैसी है तू? कहाँ है? जिंदा हूँ, अजमेर के बगैर जिंदा रहने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं अजमेर का बच्चा, वो ठीक है ना? आपको वो तो बिल्कुल ठीक है। वो तो समीर नाम है, बिल्कुल अजमेर की तरह। मेरे अजमेर की निशानी समीर। समीर मेरा पोता। या अल्लाह तेरा शुक्र है। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक। इसे देना मुझे, ये मुझे अच्छा लगता है बहुत। कैसी हो सोया? मैं ठीक हूँ। मेरे जाने के बाद समीर की तबीयत ठीक रही थी। अरे तुम अभी तक यहीं हो? मेरा तो ख्याल था कि तुम जा चुकी होगी। ओह, शारिक ने मना कर दिया होगा। जाहिर है, शारिक है ही इतने बड़े दिल का, कैसे जाने दे सकता था। अब मुबारकबाद नहीं दोगी उसे? निकाह मुबारक हो आपको। अरे सिर्फ निकाह की मुबारकबाद, शादी की मुबारक नहीं दोगी? निकाह थोड़ी हुआ है, शादी हो चुकी है उसकी। शादी मुबारक हो आपको। सबा, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। क्यों मिलने आया आप मुझसे? मैंने बुलाया था, ये मैंने एप्लीकेशन दी थी कि आप मुझसे आके मिल ले। आप प्लीज जाए यहाँ से। सबा वो मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं सुनना, आप यहाँ से जाए। सबा मैं तुमसे बात करना है। एक कदम आगे मत बढ़ाएगा। आप प्लीज चले जाए यहाँ से, वरना मैं कुछ उठा के मार दूंगी। मैं किसी को तेरे बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी। अम्मी का बहुत ख्याल रखिएगा प्लीज। अल्लाह हाफिज़। क्या बात है, आप इतने चुप चुप क्यों बैठे हैं? अब कहने को बचा ही कुछ नहीं। जा नवाज के घर औलाद नहीं हो सकती। कितना गुरूर था मुझे 2 बेटों का बाप होने पर, और अब मेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। आप मायूस क्यों होते हैं? अल्लाह ताला के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, पीर साहब ने कह दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता। मेरे नसीब में शायद पोते का सुख नहीं है। सबसे बड़ा पीर ऊपर बैठा है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो बड़ा ही रहीम और मेहरबान है। फिर अपने बंदों के गुनाहों की सजा क्यों देता है? उन्हें माफ क्यों नहीं कर देता? आपने माफी मांगी? अल्लाह ताला हर एक के साथ पूरा पूरा इंसाफ करता है। आप एक दफा माफी मांग लें, फिर हर रास्ता आसान है। आप फिक्र न करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आप यहाँ क्यों आए? ये मेरा कमरा है, आप यहाँ से जा सकते हैं। सबा, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। क्यों मिलने आया आप मुझसे? मैंने बुलाया था, ये मैंने एप्लीकेशन दी थी कि आप मुझसे आके मिलने। आप प्लीज जाए यहाँ से। सबा, वो मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं सुनना, आप यहाँ से जाए। सबा, मैं तुमसे बात करना है। वही, एक कदम आगे मत बढ़ाएगा। आप प्लीज चले जाए यहाँ से, वरना मैं कुछ उठा के मार दूंगी। जाए यहाँ से। मम्मा, मम्मा बचाओ, मम्मा, मम्मा जल्दी है। सबा, क्या हो गया तुम्हें? सबा प्लीज। सबा, मम्मा, मम्मा ये बार-बार मेरे कमरे में आ जाते हैं। मुझे नफरत है उनसे। इससे बोलिए बार-बार मेरे कमरे में नहीं आया करें। मम्मा से बोलते हैं मुझे अच्छे नहीं लगते। ये बार-बार मेरे कमरे में क्यों आते हैं? ये सब तुम्हारा और तुम्हारे मियाँ का कसूर है। हाँ। अरे अम्मा, छोड़े ना पुरानी बातों को। दोहराने का क्या फायदा, जिनकी वजह से हमारी औलादें हमसे बिछड़ गई हैं। जख्म हमारे होते हैं, और कौन सा उन्होंने लौट कर वापस आ जाना है। मैं आपका दुख समझ सकती हूँ भाभी। मुझे आज तक अपने बेटे की मौत में सब्र नहीं आया। वो आपको जीती जागती बेटी की जुदाई का गम सह रहे। कितनी संगीन हो गई थी ना। मैंने अपने ही हाथों अपनी औलाद के लिए जिंदगी तंग कर दी। पता नहीं बेचारी कहाँ भटक रही होगी। नहीं भाभी, आप फिक्र न करें, वो जहां भी है खैरियत से। मेरा मतलब है खैरियत से होगी, मेरा दिल कहता है। बस आप तो उसके लिए दुआ करती रहें कि वो जहाँ भी है महफूज रहे। आमीन। मम्मी कैसी है माँ जी? क्या हुआ उन्हें? जिस माँ की औलाद उसकी नजरों से ओझल होगी उसकी क्या हालत हो सकती है। अब तो तू खुद भी माँ बन गई है तो उसकी हालत समझ सकती होगी। आप प्लीज अम्मी को हौसला दें, मैं यहाँ बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप बस किसी भी तरह उनकी तसल्ली करा दे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ माँ जी। और जब तक तुझे अपनी आंखों से नहीं देख लेगी उसे चैन नहीं आएगा। बेटा तू घर आ जाना ज़ोया। मेरे आने से सवाल जवाब का नया सिलसिला शुरू हो जाएगा माँ जी। बेहतर से कहाँ थी, किसके साथ भागी थी, मैं किन किन सवालों का जवाब दूंगी। और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे माँ बाप का सर झुके। मैं वहाँ कभी नहीं आऊंगी माँ जी। आप प्लीज मेरे फोन का वहाँ पे किसी को नहीं बताइएगा, वरना आइंदा मैं आपको भी फोन नहीं करूंगी। अच्छा फिक्र न कर, मैं किसी को तेरे बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी। अम्मी का बहुत ख्याल रखिएगा प्लीज। अल्लाह हाफिज़। कितनी खुली है माँ जी। ज़ोया से चुपके चुपके राब्ते में और किसी को पता भी नहीं। तभी मैं कहूं इतने अरसे से इतनी खुशबाश क्यों लग रही है। अच्छी बात है, ना ही पता चला। चाय मैम। आज दोपहर के खाने में क्या है? दाल चावल और मिक्स वेजिटेबल मैम। क्या बेहुदा मेन्यू है ये। डीसी हाउस है या किसी क्लार्क का घर? किसने डिसाइड किया ये मेन्यू? वो जी ज़ोया मैम ने कहा था। ज़ोया कौन होती है इस तरह के फैसले करने वाली? ज़ोया इधर आइए। तुम्हें किसने हक दिया है कि तुम घर के नौकरों पर हुक्म चलाती फिरो? ये मेरी बेटी का घर है और तुम इस घर मालिक की बात याद रखनी चाहिए। मैम वो शारिक सर ने कहा था कि लंच का मेन्यू हम ज़ोया मैम से पूछ लिया करें। शारिक तो है ही सदा का रहम दिल, किसी वक्त तर्स खा के उसने कह दिया होगा। लेकिन ज़ोया तुम्हें खुद तो ख्याल रखना चाहिए ना इन बातों का। सॉरी। आइंदा तुम इससे नहीं पूछोगे, समझ आ गई? जी मैम। जा सकते हो। आफ्टर ऑल तुम दोनों की शादी तो लाहौर में हुई थी ना। यहाँ पे बहुत से तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, कॉलीग्स हैं जिन्होंने वो शादी अटेंड ही नहीं की। अच्छा है, उनकी भी तो दावत होनी चाहिए। इस बहाने वो तुम्हारी बीवी से भी मिल लेंगे। यही तो मैं नहीं चाहता। क्या मतलब? तुम अपनी शादी को छुपा कर रखना चाहते हो? आप मेरे शौहर ले लें, मेरे तो वो किसी काम के नहीं है ना। आप शारिक से शादी कर लें। हाँ यही ठीक रहेगा, आप शारिक से शादी कर लें। तुम कैसी बातें कर रही हो? आपसे नहीं सोएगा ये, इसे मुझे देना आप। अल्लाह कितना प्यारा है ये, है ना? आप रो रही हैं? कहीं आपको भी तो उनसे डर नहीं लगता? किससे? उनसे। वो ये तो यहीं आ रहे हैं, उनसे छुपकर तो यहाँ आई थी। देखो हर जगह पहुंच जाते हैं। सबा, सबा, अरे बात तो सुन लो। आप तो कहते थे कि सब आपसे बात क्लोज है। हाँ, होती तो थी, बस शहरी भाई से शारिक के रास्ते में हमारा पुराना रिश्ता भी खत्म हो गया। लव मुझे तो चले, फिर अपॉइंटमेंट का टाइम हो गया। शारिक कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, वो समीर की वैक्सीनेशन करवानी। तुम क्यों लेके जा रहे हो? वैसे भी ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, वो ड्राइवर के साथ जा सकती है। Actually... मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात थी, इसलिए। तुम कर लोगी खुद ही मैनेज? मैं ड्राइवर से कहूँ। चले शारिक? तो फिर ठीक है ना? यू लाइक द आइडिया? नहीं मामी, ये मुमकिन नहीं है। क्यों? इसमें हर्ज क्या है? आफ्टर ऑल तुम दोनों की शादी तो लाहौर में हुई थी ना। यहाँ पे बहुत से तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, कॉलीग्स हैं, जिन्होंने वो शादी अटेंड ही नहीं की। अच्छा है, उनकी भी तो दावत होनी चाहिए। इस बहाने वो तुम्हारी बीवी से भी मिल लेंगे। यही तो मैं नहीं चाहता। क्या मतलब? तुम अपनी शादी को छुपा कर रखना चाहते हो? बस आप यूं ही समझ लें। हाँ पा, देख रहे हैं आप अपने बेटे के अंदाज। शारिक ठीक कह रहे हैं नफीसा, इसका सोशल सर्कल बहुत बड़ा है और सबा को कभी भी दौरा पड़ सकता है। जब तक सबा नॉर्मल नहीं हो जाती, मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना अच्छा आइडिया है। नहीं मम्मा, मुझे नहीं जाना। मैंने कह दिया नहीं जाना तो नहीं जाना। सबाब मेरी जान, मेरी बात समझने की कोशिश तो। मुझे कुछ नहीं समझना। आपने कहा था ना कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं हुआ माँ, सब कुछ गड़बड़ हो गया। वो बहुत बदल गए, वो पहले जैसे नहीं रहे, वो बहुत बदल गए। आपको पता है, आपको पता है वो मुझे कैसे देखते हैं? गंदी गंदी नजरों से देखते हैं मुझे, गंदी गंदी। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी उनके कमरे में, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। सबाब क्या हो गया तुम्हें बेटा? वो कोई गैर थोड़ी है बेटा, वो शारिक है, शौहर है तुम्हारा। क्यों नहीं समझती तुम? शारिक मेरा शौहर है और वो शौकत चाचा। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना, नहीं जा रही कहीं भी, मुझे नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा। सबा, सुबह सुबह यहाँ क्यों बैठी हो? तो और कहाँ जाऊं? मम्मी के पास जाऊं तो बार बार शारिक के पास भेजने की बातें करती रहती है, और फुप्पो वो तो मुझसे बात करती ही नहीं। सब पागल हो गए। तो तुम शारिक के साथ टाइम स्पेंड करो ना। ना बाबा ना, मैं तो मर के भी नहीं जाऊंगी उनके पास। पता है पहले वो बहुत अच्छे थे, लेकिन अब वो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। जब मैं उन्हें देखती हूँ ना तो मेरा दिल करता है कि मैं कहीं भाग जाऊं। मेरा तो दिल बंद होने लगता है। अरे वो तुम्हारे शौहर हैं, उनसे क्यों डरती हो? तो क्या शौहर से डरते नहीं हैं? नहीं, शौहर तो प्रोटेक्ट करते हैं। डरना तो उन्हें चाहिए जिनके शौहर नहीं होते। आपको डर नहीं लगता अपने शौहर से? मेरे शौहर अब इस दुनिया में नहीं है। आइडिया, एक काम करते हैं, आप मेरे शौहर ले लें। मेरे तो वो किसी काम के नहीं है ना। आप शारिक से शादी कर लें। हाँ यही ठीक रहेगा, आप शारिक से शादी कर लें। तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। देखें आपको शौहर मिल जाएगा और मेरी जान छूट जाएगी, तो आप शारिक से शादी कर लें। मेरी कोई भी बात नहीं समझता। पता है मुझे वहशत होती है उनसे। जब वो मुझे देखते हैं ना तो दिल करता है कि गायब हो जाऊं उनकी नजरों से, दूर चली जाऊं। सबने मुझे फंसा दिया है, पता है। जोया प्लीज प्लीज मेरी जान बचा लें, मेरी जान छुड़ा दें उनसे प्लीज। पता है मुझे ना वो जहर लगते हैं, लेकिन आपको तो वो बुरे नहीं लगते ना। मैं सच बता रही हूँ, वो बुरे नहीं हैं। क्या कर रही हो ये? लेकिन मुझे शौहर वोहर नहीं चाहिए। आपको तो शौहर बनके अच्छे लगेंगे ना, है ना? आप मेरी बात समझ रही हैं ना? देखें ना मेरी तरफ, आप कर लें उनसे शादी। करेंगी ना उनसे शादी? बोलिए जोया, आप करेंगी ना शादी? समीर उठ गया होगा, मैं उसको देख कर आती हूँ। जोया बात तो सुनो। जोया बेकार की बातें मत करो नफीसा। शारिक चुपचाप हर बात पे सर झुका रहा है, सबा को अपनाने पर तैयार है, निकाह की बजाय शादी के लिए राजी हो गया, और तुम अब भी उसकी नीयत पे शक कर रही हो? हाँ है, अगर उसकी नीयत साफ है तो फिर वो अपनी बीवी को दुनिया से छुपा क्यों रहा है? अरे भाई छुपा नहीं रहा है, एहतियात बरत रहा है। सबा की तबीयत ऐसी नहीं है कि उससे लोगों से मिलवाया जाए। बात को समझने की कोशिश करो नफीसा। मेरी और तुम्हारी तरह आपा और शारिक भी सबा के लिए परेशान। रहने दे करीम, ये सिर्फ कहने की बातें। शारिक तो जोया और उसके बच्चे की फिक्र में यूं घुलता रहता है जैसे वो उसकी बीवी और बच्चा हो। वो लड़की अब भी वही है? जी, पूरे धड़ल्ले से वो यहाँ रह रही, जैसे सबा नहीं वो इस घर की मालिक है। लेकिन मैं भी अपनी बच्ची के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगी। जोया की बच्ची को तो मैं घर से निकाल कर ही दम दूंगी। जोया यहां से नहीं जा सकती नफीसा। उसी के कहने पर शारिक सबा से निकाह करने पर राजी हुआ है कि वो यहां से कहीं नहीं जाएगी। ये क्या बात हुई आपा? भला जोया और सबा का क्या मुकाबला? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि शारिक को आखिर उस लड़की से इतनी हमदर्दी क्यों है। एक आंख नहीं भाती मुझे वो लड़की, जब देखो शारिक के इर्द गिर्द मंडलाती रहती है। वो बाहर निकलती ही कब है? सारा वक्त अपने रूम में बंद रहती है। लेकिन घर तो एक ही है ना आपा, आते जाते आमना सामना तो हो ही जाता है। एक बात कहूं, बुरा मत मानिएगा, शारिक कितना ही अच्छा सही, लेकिन आखिर है तो मर्द ही ना। और मर्द जात का क्या भरोसा, कब उसकी नजर बदल जाए। पर मैं कब तक उस लड़की का ध्यान रखूंगी। मेरा ख्याल है नफीसा, जोया की बजाय तुम सबा पर तवज्जो दो। जोया को शारिक से दूर करने की बजाय सबा को उसके करीब करने की कोशिश करो। देखें, मैं भी नहीं डरती आपसे। अब अगर आपने मुझे मारा ना, एक जोर का दूंगी थप्पड़। सीधी तरह बताओ वरना मैं अपने बेटे को बुलाती हूँ। शारिक, शारिक, घर में कोई औरत घुस आई है। शारिक, तो मैं हूँ सबा। मुझे आपसे ये कहना है कि आप जोया से शादी कर लें। हाँ, उनका ना इस दुनिया में शौहर नहीं है। प्लीज उनसे शादी कर लें। अगर आप उनसे शादी करेंगे ना, आपको सवाब भी मिलेगा। ATV, सारे रंग हमारे।